वोटर्स तक पहुंचने और इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त खत्म। शहर में कौमी और सूबाई असम्बली की चार नशस्तों पर मुकाबले होंगे। चारों हलकों के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर छाप लिए गए। कुल 11,75,832 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। शहर में कुल 881 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 150 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने NA 131 के 4 पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। न्याजी साहब, आप झूठ बोलना और कालाबाजियां लगाना जानते हैं। कैसा नया पाकिस्तान है, सब कुछ महंगा हो गया। न्याजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और मौला जट की फिल्म ज्यादा थी। कंटेनर पर चढ़कर झूठ बोलने से इज्जत नहीं होती। हमजा शहबाज का टैक्साली में जलसे से खिताब, बोले नवाज शरीफ की कयादत में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। हुकूमत का खजाना नहीं, इमरान खान का दिमाग खाली है। NA 124 से लीगी उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेहाद कायम कर लिया। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का फैसला। NA 131 में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार आसिम ख्वाजा साद रफीक के हक में दस्तबरदार। यकीन है एक दिन सच्ची जमहूरियत का सूरज तलू होगा। बेनजीर भुट्टो की शहादत ने मुल्क की सियासी बुनियादों को हिला डाला। बिलावल भुट्टो से बहुत सी तवक्कोआत हैं। मीसाक जमहूरियत में मजीद पार्टियों को भी शामिल करना चाहिए। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक की पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर कहते हैं पीपल्स पार्टी ख्वाजा साद रफीक की मुकम्मल तौर पर हिमायत करेगी। नक्श अमन के पेश नज़र बीगी कारकुनान की गिरफ्तारियां। ऑपरेशन टीमों को लिस्टें फराहम कर दी गईं। पुलिस की कार्रवाई, वॉल्टन रोड के करीब से बीगी कारकुन सदीक गुज्जर समेत 74 सियासी कारकुनान को हिरासत में ले लिया। NA 131 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक का साथियों से मिलकर एहतजाज। डिफेंस मोड पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। NA 131 से PTI उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान का सुई गैस सोसाइटी में इंतखाबी आगाही कैंप का दौरा। अब नौजवानों और गरीबों का दौर आएगा। किराए के घरों में रहने वालों को घर फराहम करेंगे। हमने हल्के में काम किया और साद रफीक पकी पकाई खीर खाता रहा। हुमायूं अख्तर खान का खिताब। NA 131 में ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम वाहियुद्दीन दीवान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सूबाई हलकों में सुहेल शौकत भट्ट, यूसुफ अली, सैफुल मलुक खोखर और मंशा सिंधु मद्दे मुकाबिल। आज के दौर में शनाख्त और मिल्कियत के बुनियादी हुकूक महफूज नहीं। मंशा बम जैसे लोग जायदादें खा जाते हैं। मुकदमात में ताखीर एक नासूर बन चुका। सबसे ज्यादा तनख्वाह जज की है। एक जज रोजाना 55,000 रुपए में पड़ता है। बाबा रहमते से लोगों मुशावरत करते थे। अदलिया का बुजुर्ग इदारे का किरदार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का आवारी में कानून के नए उफक सेमिनार से खिताब। कौम को मायूस करना नहीं चाहता, हमने टेक ऑफ कर लिया है। बहुत जल्द इस कौम को आला और फौरी इंसाफ मयसर होगा। वो दौर गया जब फैसले सालहा साल और नस्ल दर नस्ल नहीं हो पाते थे। इस मुल्क में अब कोई बड़ा छोटा नहीं रह गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार, कहा अदलिया ने साख कायम ना की तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। ड्रीम हाउसिंग स्कीम ड्राइव इन रोड ने LDA कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। फाइलों के नाम पर ड्रीम हाउसिंग करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। निजी फर्म होम रियल एस्टेट ने 352 प्लॉटों की फाइलें फरोख्त की। डायरेक्टर वन विंडो LDA कहते हैं दरखास्त आएगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। ख्वाजा बरादरान के गिर्द घेरा तंग। नैब की दरख्वास्त पर ख्वाजा बरादरान और साबिक लीगी MPA कैसर अमीन भट्ट के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पूछगिछ के लिए 16 अक्टूबर को तलब।
उस्ताद को इज्जत दो। डॉक्टर मुजाहिद कामरान की गिरफ्तारी पर तमाम असातिज़ा तंजीमें मुत्तहिद हो गईं। हंगामी इजलास में उस्ताद को इज्जत दो के नाम से तहरीक शुरू करने का फैसला। असातिज़ा को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने की भी मजम्मत की गई। मुस्लिम लीग नून ने ताजर बरादरी को कोई तहफ्फुज़ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह किया। ये असेंबली के दरवाजे तोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चौक नाखुदा में ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 124 के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। FMC इंटरनेशनल मेन स्क्वाश चैंपियनशिप 2018 फाइनल का टाइटल मिस्र के यूसुफ सुलेमान ने जीत लिया। चैंपियनशिप के फाइनल मार्के के लिए 18 बरस बाद लाहौर में ग्लास कोर्ट लगाया गया। और क्रिकेट के फैन हो जाएं तैयार, पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला 14 फरवरी से दुबई में सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 4 के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब 20 नवंबर को होगा। PSL 4 की ड्राफ्टिंग की मेजबानी इस्लामाबाद को मिल गई। फ्रेंचाइजर को 13 नवंबर तक इब्तदाई प्लेयर्स की फहरिस्त तैयार करने का टास्क।